यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहां पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहां पर गाइस एके टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में यहाँ पर देखा था कि मैं डायमंड कसिनो को दोस्तों यहाँ पर चोरी करने वाला हूँ, ठीक है। और गाइज वहाँ पर करोड़ों रुपए का सोना रखा हुआ है, ठीक है ना। एंड गाइज इस चीज़ के अंदर जो मेरे पास एक आयरन मैन आर्मी है और लेस्टर मेरे साथ है, तो जिमी ने मेरा व्लॉग देखा था और आज ही सुबह ही एकदम मेरे पास आ गया और मुझे ये कह रहा है कि प्लीज़ यार मुझे भी अपने साथ प्लान में शामिल कर लो ये यार वो। अब गरीब इनके ऊपर ना गुर्बत सी छा गई है। गंजा देखो कैसा हो गया। हाँ भाई क्या हुआ बता। हाँ थोड़ा शरीर ढीला ढीला सा लग रहा है मुझे अपना। अबे कमर तो सीधी कर ले, कमर तो सीधी कर ले, कमर झुके। अरे जबी तो मैं तेरे बात आया भाई। अरे ये पेट कहाँ जा रहा तेरा? एक तो मेरी ढील लग रहा मुझे टांगे। क्या हो गया? मेरी टांगे मुड़ गई मुझे। क्या कह रहा है भाई? मुझे एक तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी टांगे मुड़ गई हो। हाँ जब 4 पैसा तक खत्म हुआ ना, जब से टांगे भी मुड़ी सी लगने लगी। आजा तुझे मैं अपना घर दिखाता। तो दोस्तों चलिए, और गाइस जो मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी वाले रोबोट्स है ना, आज उनकी सर्विस होनी थी। उसके अंदर जो बैटरीज होती है ना उनको रिप्लेसमेंट के ऊपर यहाँ पर मैंने डाल रखा था क्योंकि बैटरीज में थोड़ी सी दिक्कत वगैरह आ रही थी। तो जितने भी रोबोट्स हैं वहाँ पर गए हुए दोस्तों, शाम तक जो है रिपेयर होकर आ जाएंगे। आजा भाई जिमी, घर तो बड़ी शान है। ये देख आजा, देख मेन डोर में घुसते देख क्या क्या है। लग्जरी है, लग्जरी टाइल्स कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देख अच्छा ये भी बनवा रखा मछलियों का। हाँ जिन्ने के नीचे। हाँ बड़ी खूबसूरत जगह है, देख ले। ओ बड़ा टाइल्स देख ले, तेरी आंखें तक चुंधी आ जाएंगी। ग्रुप देखे नहीं लगवा रखी तेरे भाई ने। मैं सोच रहा है जब मैं बनाऊं तो थोड़ा आइडिया ले लूं। हाँ ये देख जिमी, ये हमारा डाइनिंग रूम ये है। यहाँ पर देख वो टीवी देख कहाँ लगा हुआ है, देख रहा है। हाँ ये देख पूरा सोफा वोफा कैसे रख रखा है तेरे भाई ने। कैसा लग रहा है यार, इतना पैसा आया कहाँ से? पहले अबे घर देख पहले, तू बाद में बात करी। ये जिमी देख मेरी किचन, धुआंधार। ये देख यहाँ पर पूरी वाइन वगैरह मेरी रखी रहती है। ये माइक्रोवेव ओवन भी तो तेरे भाई ने भी दीवार में फिट करा रखा है, एक वाइन से निकालते लेता हूँ। और ये देख सिंक वगैरह, प्लेट्स वगैरह, देख रहा है। और इतने बड़े घर में काम कौन करता है? वाइफ वाइफ है क्या तुम्हारी कोई? अबे वाइफ भी नताशा जी को भूल गया क्या तू? नहीं मैं पूछ रहा है, जब बंदा अमीर होता है ना हाँ। वो सबसे पहले पता क्या करता है? 2-4 गर्लफ्रेंड रखता है अपनी। गर्लफ्रेंड बहुत सारी हैं पर वो मेरी क्या कहते हैं ना नताशा ब्लॉग देखती है। चुप हो जा भी तो। अच्छा हाँ ये देख जिमी, यहाँ पर देख बार भी बना रखा है तेरे भाई ने। जिमी ये देख जिन्ना देख लाइट वाला, देख रहा है, देख रहा है जिमी। और ये देख यहाँ पर मैं ना गाने रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा ये देख तो देख रहा है, सेटअप बड़ा अच्छा बनवा रखा है। हाँ ये देख छोटी सी, ये क्या है जिमी? ये तो वही है टॉयलेट, देख रहा। डर गया यार। ये देख बैम्बू के पेड़ तेरे भाई ने कहाँ खड़े करवा रखे। इसमें तो बहुत करोड़ों लग गए होंगे। ये देख जिमी यार देख मुझे है ना पता नहीं यार मेरा पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है, देख क्या है यो। ओहो ये तो एक अटैची से मुझे भी चाहिए पैसा भी। और ये देख यहाँ भी पड़े। समझ गया यार मेरी तो झुक गई कमर, लेकिन तेरे तो बाल भी खड़े हो गए। ये देख यहाँ भी पैसे पड़े। इतना पैसा है जिमी मेरे पास, इतना पैसा है यार मुझे ही नहीं पता। ये बात सही है, जब पैसा खत्म हो जाता है तो कमर झुक जाती है। देख जिमी यहाँ पर, ये देख जिम मेरा प्राइवेट जिम, देख रहा है बड़ा निशान घर है। हाँ यार देख जिमी तेरे बस की बात नहीं है। ये देख तेरी भाभी की फोटो, समझ गया। जिमी दर्द सा मार रहा तेरे तो। क्या हुआ भाई जिमी? मेरा बाथरूम कुछ अल्फाज से नहीं आ रहे। ये देख क्या है, ये देख क्या है। ये साबुन से इतनी मोटी। ये साबुन है नानी की, इतनी मोटी कौन से देश की है भाई? बेटे तुझे इतनी पता। ये देख यहाँ पर जब मैं पॉटी भी करता हूँ ना जिमी तो टीवी देखता हूँ। देख रहा है इतना लग्जरी घर। हाँ ये तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आता होगा जिमी, तुम बस वो टैल पत्थर ही ढूंढते रह जाओगे। नहीं जब अपना भी घर तैयार होगा ना। हाँ अपनी भी छोटी ऐसे ही खड़ी होगी। ये देख पीछे मेरा गार्डन जिमी, यहाँ पर मैं तंदूरी चिकन बनाता हूँ डेली। अच्छा? हाँ घर ही दिखाते रहोगे, खाने पीने का भी कुछ इंतजाम करा नहीं। अच्छा बताओ क्या खाएगा तो, चलिए बता दो। मैं वेज में खाऊंगा, मैं नॉन वेज तो देख खाता नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा सब कुछ मोटा हो गया। हाँ जब से मोटा हो गया ना सब छोड़ दिया। तो गाइस यार जिमी को मैंने पूरा का पूरा अपना घर दिखा दिया। जिमी एक लास्ट चीज तो देख ले, ये देख क्या है यार, स्विमिंग पूल। ये तो समुंदर नजर आ रहा है तो सामने से तेरे भाई का घर पूरे समुंदर के बीच में है। ये देख क्या खूबसूरत है घर। हाँ ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। बस जिमी तेरी औकात से ना तू 10 बार मरेगा ना फिर जिंदा होगा तू तब भी नहीं खरीद पाना है घर, समझ गया भाई। पहले तू भी तो इसी कंडीशन पे था। आजा फालतू ना बोल ले। अब थोड़ा मुझे भी बता दे कहाँ से पैसा कमाया तूने। बताता हूँ। हाँ अभी ना सबसे पहले मैं ब्यूटी पार्लर जाना है तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं ब्यूटी पार्लर, क्योंकि हमें नताशा को वहाँ से लेना है। उसके बाद हम जाएंगे दोस्तों मेरे आर्केड में, जहाँ पर मैं प्लान बना रहा हूँ वो जो डायमंड कसिनो को दोस्तों यहाँ पर जो है भाई चोरी करने का। तो जिमी भी हमारे साथ अब इस प्लान में काम करेगा। आपको इस बारे में क्या कहना है एक बार कॉमेंट करके जोर से बताएगा। जिमी चल मेरी गाड़ी निकाल लग्जरी वाली। अबे हवा तो नहीं, पीछे बिठा दिया। अबे खुद चढ़ा तू पीछे, रैपट बजा दूंगा मैं तेरे। पीछे क्यों बैठा तू? तू खुद ही सोच रहा था कि मेरे लेवल का नहीं है। अच्छा एक बात तो बता, अब वो बिठाएगी तेरी नताशा, उसे भी तो लाएगा तो बिठाएगा। इससे अच्छा मैंने सोचा पहले ही पीछे बैठ जाऊं। पीछे बैठा रहे चुपचाप। डर तो लग रहा तुझे? अरे नहीं यार डर नहीं। जिमी एक चीज दिखाऊं तुझे, अब तो मैं जिंदगी से इतना हार चुका मुझे डर नहीं लगता। अच्छा डर नहीं लगता बेचारे जिमी को। यार दोस्तों बेचारा जिमी बहुत हार चुका है, जिमी के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई लोग। चलो जिमी मेरी बात तो सुन यार, एक काम और कर दिए। हाँ बता। कहीं मेरा जिम का इंतजाम कर दे यार। जिम का? हाँ थोड़ा क्यों क्या? अरे यार जिम कर लिया करूंगा, टांगे टूंगे मुड़ गई, कमर से भी झुक गई। हाँ तू ये सोच रहा क्या मैं तुझे अपने घर में बुला लूंगा जिम दे दर, तू अपनी भाभी पे लाइन मारेगा। सोच रहा तू मेरी, तू ऐसा ही है। पिछली बार देखा था मैंने तूने क्या करा था। अबे वो पिछली बार का था, अब तो मैं देख कैसा हो गया। थोड़ा मुझे फिटनेस में तो आने दे पहले। अच्छा फिर लाइन मारेगा है? अरे नहीं, अच्छा दोस्ती में ऐसा थोड़े ना हुआ करे। वे ऐसा ही हुआ करे। पिछली बार तो तू अपने ईमान से खारिज हो गया था। अरे नहीं इस बार यकीन रखिए। अच्छा उतरी आराम से चला ले भाई, मुझे पीछे से कुछ दिख भी नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा तुझे, तो तू देख के करेगा भी क्या? तो अगर तूने मार मुड़ दिया कहीं ठोक ठाक भी आराम से चला। बे जिमी यार खर्चे आज तक नहीं चलानी गाड़ी। तेरा भाई ना ऐसी चलाता है जिससे बस क्या कहवें, समझ गया। गोल घुमाता रहे तो घुमाता रहे गोल गोल। ये देख कुत्ती, ओ कुत्ता आ गया नीचे गाड़ी के। अबे कुत्ता नहीं है बंदा है वो। ओ तेरी छोड़ चल निकल ले बस जिमी यार यहां से। इसलिए तो तुझे आज तक गाड़ी नहीं चलानी आई। अबे मुझे वो दिखा ही नहीं यार। तू हमको पे चश्मा लगा रखा। हां और पट्टी बांध रखी तूने। उत्तरी भाई मैं तो मर गया। क्या हुआ जिमी? ओ जिमी मेरी बात सुन, जा फटाफट जा भाभी को लेके आपने अंदर से भाग के। अबे भाई मेरी हालत ऐसी हो रही, तू जा। क्यों बे भाई चला जिमी यार। ना 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 बस तू ही चला जा बस भाई। क्यों क्यों कभी ये सोचेगी कौन आ गया। अच्छा अबे तुझे तो जानती है वो जिमी है यार, तू जा फटाफट चला यार। ड्रामे क्यों दिखा रहा, जा फटाफट। मुझे थोड़ी शर्म सी आ रही है देख मेरी हालत। हां अच्छा तो गाइज ये है नेल्स ब्यूटी पार्लर टाइनिंग एंड सैलून। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और फटाफट नताशा को जो गाइज अंदर से ले। क्या बोल रहा है, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई क्या? क्या रहा मैं तो ये बता रही, तुम दोनों खूबसूरत हो गए बता रहा। हाँ देखिए जरा। हाँ मैडम का तो लुक ही चेंज हो गया भाई। हाँ बस चुप रहिए। अब मैं ये सोच रहा भाई तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अच्छा बेटा घर छोड़ के आऊंगा सबसे पहले तो तुझे, तेरी हरकतों का सब पता मुझे। अरे नहीं थोड़ी लुक चेंज मेरी भी हो जाएगी। ओ अब इसके अपने अंदर क्यों बैठा तू गाड़ी में? बस मैं भी यही बैठूंगा भाई, पीछे अच्छा सा नहीं लग रहा था बैठ के। भाई मुझे सब पता जिमी तेरा बेटे, तू बहुत होशियार बंदा तू। तो नहीं दोस्ती में ऐसा थोड़ा ही हुआ करे। हां सब पता मुझे तेरा। हां चलिए तो गाइस अभी यार हम सबसे पहले चलते हैं। हां क्या क्या रहा तू? कहां जा रहे हैं हम वैसे? अभी हम जाने वाले हैं जिमी जहाँ पर मैंने सीक्रेट रूम तैयार कर रखा है, जहाँ पे हम वो चोरी का प्लान बनाने वाले हैं, समझ गया। अच्छा 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 हाँ जिमी मेरी बात तो सुन, अगर हम इस चोरी में सक्सेसफुल हो जाता है तो तू क्या करेगा उन चोरी के पैसों से, ये बता जल्दी से। अरे भाई मैं एक लग्जरी से जीना चाहता हूं अपनी, मैं अच्छा जिंदगी से। तो तू अपने बाप को छोड़ के आ गया या फिर तू मेरे पास अब ये बता दे, पक्की बात बता। हाँ अभी तो मैंने फिलहाल सबको छोड़ दिया, अभी मुझे फिलहाल सिर्फ पैसा चाहिए। अच्छा सब पूछेंगे जिमी तो कैसा है, अच्छा तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरी बात तो सुन ले, हो ये बता पहले मुझे क्या कहते हैं, धोखा धोखा ना दे दिए बेटा मुझे बीच में कभी जाके, तू पुलिस का खबरी हो। भाई मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे किसी की खबर से कोई मतलब नहीं है। पक्की बात? पक्की बात है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है चल फिर तो सही है। अगर जिमी बाद में मुझे कुछ पता चला कि तूने मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी किया फिर बेटा अच्छा नहीं हो, कसम से बता रहा हूँ मैं। विश्वास रख मेरे ऊपर, थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। फिलहाल तो मेरी हालत देख ही रहा, मेरी हालत किस कंडीशन में हो गई। हाँ अरे ये मत भूलना, देख मुसीबत के टाइम पे तेरा कौन काम आया, मैं ही काम आया हूँ, वरना कोई तेरे बाप ने भी तुझे घर से लात मार के निकालते। कल मेरे पास खबर आ गई थी कि तुझे तेरे बाप ने घर से मार के निकाल दिया। दादी के सामने ऐसी बात तो ना करे। अच्छा मैं कर लिया। चल अच्छा ठीक है, क्यों शर्म आ रही तुझे, उसकी भी नजर में क्या वैल्यू रहेगी। अच्छा मैं क्या कह रहा जिमी, ये अपनी एक सीक्रेट लोकेशन है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं रहता। अच्छा 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 यार ये बंदा खड़ा है यहाँ, इसको टपकाना पड़ेगा वरना मैं अंदर जाता हुआ देख लेगा। एक और जा रहा भाई, पीछे जा रहा, गाड़ी के पीछे जा रहा भाई। अच्छा चल अब हम चुपचाप जिमी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ तुम दोनों। जिमी एक काम कर, तू ना गाड़ी को ना यहाँ आगे को लगा दे ताकि कोई इसे देख ना पाए, समझ गया। और मेरी बात सुन, देख मैं तुझे लेकर तो जा रहा हूँ, देख जिमी मेरा विश्वास न तोड़ी, देख मैंने तेरे ऊपर बहुत उससे विश्वास किया है और इस प्लान में मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझ के मैंने वो करा है, समझ गया। हाँ यार तू विश्वास रख, समझ गया। ऐसे धोखेबाजी करने का मैंने तुझे क्या कहा था, वरना काम होने के बाद में मुझे पैसा चाहिए। हाँ वो तो तेरे को पैसा तो मिल जाएगा, चल आजा अंदर आजा फटाफट आजा। और राइट गाइस तो हम अंदर आ चुके हैं। जिमी इस लोकेशन के बारे में देख मेरे भाई प्लीज मत बताना किसी को, समझ गया। मैंने तेरे ऊपर भरोसा करा है इसीलिए मैं तुझे अंदर भी लेकर आया हूँ, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं तुझे अंदर लेके आने वाला हूँ, समझ गया। हाँ भाई हाँ, तो इतनी बार क्यों बोल रहा, जब तुझे एक बार मैंने बोल दिया नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना, भाई जब पैसा हाथ में आएगा ना कोई कुछ नहीं बोलता फिर। आजा क्या बातें करता हुआ आ रहा है, ये देख बाथरूम में अगर आ रहा होगा तेरा कुछ कर लिया। तो बाथरूम में दिखाता रहेगा क्या, तू चला गेम चीज दिखा मुझे, इसकी मुझे तलाश है। देख नीचे आना है जिमी। हां समझ गया। हां अच्छा बड़ा खतरनाक क्या करना है, ये देख। हां पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, देख रहा है। हां ये देख समझ गया। और जिमी हाँ देख यह है पूरे डायमंड कसिनो का नक्शा जो तेरे भाई ने तैयार करा दिया है, समझ गया। अच्छा हाँ ये चेक कर। और जिमी ये है फेक एक्सेस कार्ड जिन्हें हम लगाकर उसके अंदर घुस सकते हैं, समझ गया। और हमें यहाँ पर ड्रोन की भी जरूरत होने वाली है, ठीक है। तो ड्रोन भी हमारे पास है और पूरे के पूरे डायमंड कसिनो का नक्शा देख हमारे पास है, जो कि मैंने क्या कह रहा है तो ये कुत्ते जैसा दिमाग तेरा ज्यादा ही चलने लगा है ना। हाँ ये देख, और ये पूरा का पूरा नक्शा है। और जिमी जिस तिजोरी को हमें तोड़ना है उस तिजोरी का दरवाजा यहाँ पर है, जिसके ऊपर मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन भाई तो बड़ा खतरनाक दरवाजा, कुछ ज्यादा ही नहीं है, देख कितना मोटा दरवाजा है जिमी। ये देख ये इसको तोड़ने के लिए ना जिमी एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी ब्रदर। सही कह रहा भाई। और ये देख तुझे यहाँ पर दिखाऊं, इसके लिए तो हमें फिर और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ और लोग मुझे पता है, मेरी पूरी की पूरी आर्मी अभी मैं तुझे उससे मिलवाने वाला हूँ, ठीक है ना। बाकी इधर देख जिमी ये देख हमारे पास हर तरीके की बंदूकें वगैरह है, स्पेशलिस्ट गन्स वगैरह, देख रहा है। सही ये सामान तो मैं पहली बार देख रहा। अच्छा और ये देख यहाँ पर पूरी उसको लूटने की पूरी हमारे हैकर्स वगैरह हर चीज के ऊपर लगे हुए, देख रहा है भाई साहब। आजा तुझे अपनी आर्मी से मिलवाता हूँ, आज हम नीचे आजा फटाफट उतर के। गाइस चलिए हम यहाँ पर एक कोका कोला पी लेते, दूध पिएगा क्या? पिला दे भाई। यार किसी चीज को मना भी कर दिया करें। अरे इतनी सीढ़ी उतर के आया, नीचे गला सूख गया। चल अच्छा फटाफट पी ले, आजा चल जल्दी लिया अब तूने, अब तो दिल को शांति मिल गई तेरे। कुछ क्या करना जिमी, ये देख ये लोग कौन है भाई? लोग नहीं है बेटे, रोबोट्स हैं। हाँ मैं तो देख रहा है, तो कुछ अलग से नजर आ रहा है मुझे, क्या है भाई? हाँ इधर आ देख तुझे दिखाता हूँ। हाँ। जैसे इंसान नहीं रख रखे। ना ना देख जिमी मेरी बात सुन, इंसान कभी भी दगाबाजी कर सकता है पर मशीन कभी भी दगाबाजी नहीं करती है, समझ गया? ये तो बात सही कह रहा भाई। इसीलिए तेरे भाई ने सारे के सारे I mean, इस प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने पूरी की पूरी जितनी मेरी सिक्योरिटी है, मैंने गार्ड्स वगैरह सबके सब रोबोटिक रखे हैं। और जिमी तुझे पता है ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किए हैं और इनको इंपोर्ट करने में पता कितना खर्चा है, बस मैं तेरे को बता नहीं सकता। बट ये मेरी बताएगा इनकी समझ आ जाएगा सब कुछ। किनकी समझ? अरे यही मशीन खड़ी जो इन सबकी समझ में आता है, ठीक है? मेरी कमांड्स पे ये करता है क्योंकि मैंने इनको अपने हिसाब से प्रोग्राम करवाया हुआ है, समझ गया तू? हाँ ये सब कंप्यूटर वगैरह और मेरी पूरी की पूरी फोर्स यही होने वाली है। क्योंकि जिमी देख, अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ भी लिया मेरे साथ चोरी करते हुए, मैं निकल गया, इंसान को मारेंगे पीटेंगे वो एकदम सच बोल देगा, ये तो खराब हो जाएगी गोली लगते ही, ये क्या बोलेगी सच? ये तो यार तूने दिमाग बहुत लगाया भाई। देख तेरे भाई ने दिमाग कैसा लगा रखा है, समझ गया? अब जिमी हमें यहाँ पर जरूरत है आर्मर्ड कार्स की, ठीक है? अब मेरी प्लान सुन देख, हम जब जाने वाले हैं डायमंड कसीनो, सबसे पहले तो देख नताशा जाएगी, ठीक है? नताशा वहां पर जाकर उनकी जो वॉशरूम होगा ना वहां पर एक बॉम्ब रख देगी, ठीक है? हम उस बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। जैसे वो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के एकदम बाद हम ना फायर ब्रिगेड वालों कपड़े पहन के रखेंगे, हमें एक फायर ब्रिगेड चोरी करनी पड़ेगी। जिमी क्या वो काम संभाल लेगा? मैं संभाल लूंगा। चोरी करके एक लेकर आनी है, हम उनके कपड़े पहनकर जाएंगे और सीधा हम जाकर अंदर घुस जाएंगे। जैसे ही हम अंदर जिमी घुसेंगे वहां पर हम ना एकदम बंदूकें निकाल लेंगे अपनी, ठीक है ना? और बस वहां पर जो लोग वाग होंगे एकदम उन्हें मारना स्टार्ट कर देंगे और फिर सीधा हम नीचे वॉल्ट में घुसेंगे। फिर मैं अपने रोबोट्स वगैरह को वहां पर बुला लूंगा और सीधा वहां से चोरी करके सीधा हम निकल जाएंगे, ताकि किसी पुलिस को भी शक नहीं होगा, सबको ये लगेगा कि फायर ब्रिगेड वाले आए हुए हैं और बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई है। तू बता तेरा इस बारे में क्या कहना है? ये तो बिल्कुल प्लान बहुत अच्छा है ना? हाँ। तो जिमी अभी हमें यहाँ पर एक जरूरत होने वाली है फायर ब्रिगेड की, प्लस यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म्स चाहिए उसकी, समझ गया? फायर ब्रिगेड वालों की। तो अब ये बता तू तेरी नजरों में हाँ उसका इंतजाम हो जाएगा, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, उसका इंतजाम हो जाएगा। और नताशा को देख, मैं तुझे इधर दिखाऊँ, इधर आ जा जिमी, इधर आ। ये देख क्या रखा हुआ है, ये तो बॉम्ब है भाई। हाँ ये वाला बॉम्ब ही तो लगाएगी नताशा वहां पर जाने के बाद। बैग्स के अंदर देख कितने ज्यादा यहाँ पर तेरे भाई ने बॉम्ब वगैरह हर चीज रख रखी है, समझ गया? तो तेरा भाई पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर जाने वाला है और कल हम अपनी इस प्लान को जो है अंजाम देने वाले हैं। तो तू बता जिमी, क्या बिल्कुल रेडी हो अब सब तुम? जब ये नताशा वहाँ रख देगी तो वहाँ से बाहर निकल जाएगी ना पहले। हाँ नताशा तो बाहर निकल जाएगी और जैसे ही जिमी मेरी बात सुन, हम वो चोरी करने के बाद नीचे पानी के रास्ते से निकलेंगे और जिस पानी के रास्ते से हम गटर से बाहर निकलेंगे वहां पर नताशा एक कार लेके हमारा इंतजार करती हुई मिलेगी और हम उस कार में बैठकर जो है निकल जाएंगे, समझ गया? अच्छा तो उस रास्ते का पता तुम्हें? उस रास्ते का मुझे सब कुछ पता है क्योंकि नक्शे के अंदर एक पुराना रास्ता है जो कि अब जब ये बिल्डिंग दोबारा बनी थी ना तो बनने के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया था, बट हम बॉम्ब से उस रास्ते को जो है काट सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं, समझ गया? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अब तू बता, प्लान तेरा पूरा समझ में आ चुका है ना? मेरे सब कुछ समझ में आ गया। तो कल तू इस प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल रेडी है मेरे साथ? बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है तो गाइज अभी हमें यहाँ पर जरूरत होने वाली है एक फायर ब्रिगेड की और प्लस यहाँ पर दोस्तों यूनिफॉर्म्स की। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हमारा जो प्लान है बिल्कुल स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है या फिर हमें यहाँ पर और भी कुछ चीजें ऐड ऑन करने की जरूरत है, ठीक है ना दोस्तों? और आपके कुछ सजेशंस वगैरह है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं कल एक महा एपिसोड में आप सभी लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए,